दर्शकों, अगर कुंवारी लड़कियों को दिखे अपनी शादी का सपना तो जाने इसका असली मतलब क्या है। अगर आपको भी आता है अपनी ही शादी का सपना तो जाने इस तरह के सपने के रहस्य के बारे में। दर्शकों, सपनों को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग सपने को इतना महत्व नहीं देते हैं, जबकि कुछ लोग इस पर बहुत ध्यान देते हैं। ऐसा माना जाता है कि सपने का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। सपने में हम जो भी देखते हैं वह हमारे भविष्य के बारे में इशारा करते हैं। कई बार जब हम किसी बात को काफी गहराई से सोचते हैं, या यूं कहें कि किसी बात को लेकर जब हम बहुत गंभीर होते हैं, तो उसे ही हम सपने में एक संकेत के रूप में देखते हैं। दर्शकों, मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब हम किसी चीज की इच्छा रखते हैं और वह हम अपनी निजी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाते हैं, उसे हम सपने में देखते हैं। ऐसे ही सपनों में से एक है कभी कभी अपनी शादी का सपना देखना। इस तरह के सपने कई बार कुंवारी लड़कियों को भी आते हैं और शादीशुदा लोगों को भी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन सपनों का क्या मतलब हो सकता है और इसके फल क्या हो सकते हैं? तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि अगर कुंवारी लड़कियों को अपनी शादी का सपना दिखे तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, कुंवारी लड़कियों को शादी का सपना देखने का मतलब, अगर कोई कुंवारी लड़की सपने में अपनी शादी होती हुई देखती है और जयमाल के साथ फेरे देखती है तो यह शुभ संकेत हो सकता है। जब आप अपनी खुद की शादी होते हुए सपने में देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके कुछ बिगड़े काम बनने के संकेत हैं। यदि आप शादी के इंतजार में हैं, तो समझ लीजिए कि जल्द ही आपकी शादी होने वाली है। सपने में अपनी बारात देखने का मतलब, दर्शकों, असल जिंदगी में शादी में खुद की बारात देखना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अशुभ माना जाता है। जबकि सपने में बारात देखने का मतलब है कि समाज में आपकी मान मर्यादा बढ़ेगी, आने वाले समय में आपके सोशल नेटवर्क का दायरा बढ़ेगा, जिसके कारण आपको आने वाले समय में लाभ मिलेगा। खुद की शादी दोबारा देखना, यदि सपने में आप खुद की शादी दोबारा होते हुए देखती हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी शादी से खुश नहीं हैं। समय बीतने के साथ आपके और जीवन साथी के बीच प्यार की कमी हो गई है, जिसे आप फिर से जीवंत करना चाहती हैं। आप अपने वैवाहिक जीवन में प्यार एवं स्नेह में कमी पाते हैं, तो ऐसे में आप फिर से खुद का विवाह होते हुए सपने में देखते हैं। इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि आपकी शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई हो, उस स्थिति में भी दोबारा शादी का सपना बार बार आता है। किसी अनजान की शादी सपने में देखना, दर्शकों, यदि कोई अनजान लड़का या लड़की शादी के जोड़े में दिख जाए तो यह शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि शादी के जोड़े या आभूषण जो आपके नहीं हैं, किसी और के हैं, यह भी सपने में देखना शुभ होता है। इस तरह का कोई भी सपना आपकी जल्दी ही शादी होने के संकेत देता है। सगाई का सपना देखने का मतलब, दर्शकों, यदि आपने सपने में अपनी या किसी और की सगाई होती हुई देखी या किसी को अंगूठी पहनते हुए देखा तो इसका मतलब है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है और आपको किसी से जल्द ही धोखा मिल सकता है। सपने में शादी का जोड़ा देखना, दर्शकों, यदि सपने में आपने अपनी शादी के कपड़े देखे तो इसका मतलब है कि जल्द ही पैसों की कोई न कोई परेशानी आ सकती है। वहीं यदि आप किसी दोस्त की शादी में मजा कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि कोई न कोई खुशी आपको शीघ्र ही मिल सकती है। यह आपके जीवन में किसी अच्छी खबर का संकेत देता है।
ऐसा जरूरी नहीं है कि यह सपना शादी का ही संकेत दे, बल्कि यह भी हो सकता है कि आपकी जल्द ही नौकरी लग जाए या आप कोई नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। यहाँ बताए किसी भी सपने के आपके जीवन में मिले जुले प्रभाव हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।